एक बात करीना जी, 2004 की करीना और 2009 की करीना में फर्क आपके हिसाब से क्या है? मेरे को तो पता है क्या फर्क है। आई थिंक 5 साल के पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा। हम लोग सीखने के लिए तो हम लोग जीते हैं। द फैक्ट दैट हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तो यू नो व्हाट इज द पॉइंट। ग्रो किया या आउट ग्रो किया? नहीं, आई थिंक पहले तो छोटी बच्ची थी। अभी मैं देखा था बच्ची की तरह। आप तो जानते हो। मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा बच्ची से मैं क्या पूछूं इस ब्रेक के अंदर। अभी तो मेरे को लगता है बहुत कुछ पूछने के लिए। आई थिंक मैच्योरिटी इन रोल्स, मैच्योरिटी इन पर्सनालिटी जो है। क्या पर्सनालिटी आपकी में क्या निखार आया है? आई थिंक जस्ट जो एक्सपीरियंसेस मैंने जो हुआ है पिछले 5-6 सालों में इंडस्ट्री में पर्सनली, वो सब आई थिंक हैज मेड मी अ स्ट्रॉन्गर वुमन। कपूर खानदान में अभी तक लड़के जो थे ना नंबर 1 होते थे इंडस्ट्री में, अब पहली लड़की है जो अब ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो आपने लड़कों से बदला ले लिया आपने आगे। मगर इतना टाइम हुआ है जो आई थिंक पिछले 10, 15, 20 सालों में कोई लड़का था ही नहीं इंडस्ट्री में। करिश्मा और मैं ही थे। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज कपूर की फैमिली की बात। बाकी कपूर लड़के तो बहुत सारे थे, हाँ। पर पृथ्वीराज कपूर की प्रोजनी जो थे उनमें से कोई भी लड़का, आपने ठीक कहा, नहीं था। पर लड़कियों की भी हिम्मत नहीं हुई। आपके फादर ने जब आपको कहा था नई फिल्म में काम करने दूंगा, ये कितना गलत है। क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे कहते हैं कि फिल्में करो, कपूर खानदान का नाम रोशन करो। एंड ही इज सो प्राउड ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अगर आप मेरे फादर को देखेंगे तो उसकी आंखों में जो प्राइड रहता है, मुझे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है मैंने सी माई फादर के। जब वो मेरी तरफ देखते हैं, जब मुझे फोन करता है कि कुर्बान के प्रोमोज इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा, थिएटर में जाऊंगा, मुझे ट्रायल पे मत बुलाओ। तो आई रियली फेल टच्ड। एक्चुअली आई रियली क्राइड व्हेन माय फादर कॉल्ड। नहीं, अब उनको लगा होगा कि जब पहले मना कर रहे थे ये, जब नहीं, पहले तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे थे। डिस्करेज कर, एनकरेज तो नहीं कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे। ये गलत बात है। हमेशा एनकरेज करते रहते हैं मेरे फादर, हमेशा, करिश्मा को भी। पर आपने एक पब्लिक सर्वेंट की जो मैं बात कर रहा कि पब्लिक सर्विस भी आप लोगों को, आपको आइकॉन मानते हैं। जब आपने अभी सवाल पूछा गया आपसे कि वी आर लिविंग टुगेदर, तो ये जब आपने कहा लिविंग टुगेदर, तो आपको लगता नहीं है कि आजकल की बच्चियां जो हैं ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में एलियन है? नहीं, हम लोग ने नहीं कहा कि हम लोग वी आर लिविंग टुगेदर। हम लोग ने सिर्फ कहा कि वी आर आई मीन इन अ रिलेशनशिप। और जो कमिटमेंट है, आई थिंक इट्स मोर देन अ पेपर। जो सर्टिफिकेट है मैरिज का, वो जो हम दोनों के बीच में कमिटमेंट है, वो सर्टिफिकेट से ज्यादा है। That's what we meant to say. ये नहीं कहा आपने हम इकट्ठे रह रहे हैं। मैंने, क्योंकि जो मैंने पढ़ा सच वही बात होगी ना। आपने कहा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा हो तो कई बार कहा नई बात नहीं है उसके अंदर, वो सवाल पूछना भी दोबारा रिपीट करने की बात है। पर मैसेज ये है कि अगर इकट्ठा रहना है तो, क्योंकि किसी अखबार में छपा था, किसी मौलवी का इंटरव्यू भी उसने निकाह भी कराया था, मैंने देखा था इस तरह का। इतने सारे न्यूज छपते हैं हमारे बारे में, तो वो तो हम लोग को पेपर से पता चलता है कभी कभी। इतनी इम्पोर्टेंट है आप, ये क्यों नहीं मान करके चलती आप? हाँ, वो तो है, मगर जब गलत न्यूज छपता है तो खराब भी तो लगता है। हम लोग इंसान भी तो है। नहीं, आपको दुख होता है कई बार गलत? डेफिनेटली। कई बार आपको लगा ऐसी न्यूज जैसे कि बिल्कुल गलत, ऐसी कौन सी न्यूज से आपको दुख लगा कि कई बार, क्यों मीडिया के प्रति लोगों को कहना कहते हैं कि हम लोग काफी गॉसिप छाते रहते हैं आप लोगों के लिए? हाँ, मगर जो न्यूज है वो आई थिंक 80% ऑफ द टाइम गलत ही रहता है। कि जैसे ये मौलवी का न्यूज छप गया कि कभी निकाह हो गया है, तो कभी बोलते हैं कि रिश्ता टूट गया है। तो समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली दे नो मोर कि हम लोग का स्टेटस क्या है अभी। कई बार ये होता है, लोग कहते हैं कि आपके जो पीआर है ना इतने एक्सपर्ट हैं, वो लोग खबरों बनाने के लिए भी कई बार हम लोगों को बता देते हैं ये होने वाला है। नहीं, मगर पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज देना तो काफी गलत है। और हम लोग ने हमेशा अपने एजेंसीज को बोला है कि पर्सनल न्यूज के बारे में तो सैफ और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर्सनल चीजें तो कई बार निकलती हैं जो किसी न किसी निकलती रहती है, क्योंकि आजकल आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल चीज इन द रो देन प्रोफेशनल चीजों में। अब प्रॉब्लम यह है कि करीना कपूर या सैफ अली खान हो या शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े लोग जो एक्टर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना उनका पर्दे का रोल है।